स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और चलिए पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमो। सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानते हैं। इसाक एसिमो वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। इसाक एसिमो एक अमेरिकी प्रोफेसर थे जो बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म रूस में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वो फिलॉसफी में डॉक्टरेट थे यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी थे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, उन्होंने बड़ी मात्रा में विज्ञान की कथाएं लिखी थी। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। उन्होंने 500 से अधिक पुस्तकें लिखी और उसका संपादन किया। उसके बाद 90,000 से अधिक लेटर्स यानी पत्र और पोस्ट कार्ड्स भी। इसाक डाइट ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक का देहावसान यानी इसाक की मृत्यु 6 अप्रैल 1992 में हुआ था। अब चलते हैं बेटा, अब हम लोग चलते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर पढ़ लिए, अबाउट द लेसन चलते हैं। अबाउट द लेसन ये आपका है, अबाउट द लेसन। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वह भविष्य के लिए सेट होता है, यानी कि एक तरह से भविष्यवाणी समझ लीजिए। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो आज हमें किताब स्कूल बुक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो उस समय मौजूद नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स और ह्यूमन टीचर्स, उस समय कोई क्लासरूम नहीं होगी, कोई कक्षाएँ नहीं होंगी, कोई मानव टीचर नहीं होंगे। चिल्ड्रेन यानी बच्चे देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर की सहायता से, विजुअल क्लासरूम की सहायता से, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, यानी जो मूविंग ई टेक्स्ट होता है, इंटरनेट से सर्च करते हैं जो भी टेक्स्ट हम दुनिया भर के किताबें सर्च कर लेते हैं उसी तरह का होगा उस समय। और इवन यहाँ तक पढ़ाने के लिए रोबोटिक टीचर्स ही होंगे, वहाँ पर कोई इंसान टीचर नहीं होगा, ऐसा कि इसमें बताया गया है। बेटा आप चलते हैं बिफोर यू रीड, यहाँ पर बिफोर यू रीड आप इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करें इसके पहले। द स्टोरी विल रीड इन सेट इन द फ्यूचर, स्टोरी भविष्य में के लिए सेट होता है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल as we now know they will perhaps not exist, जबकि किताबें स्कूल्स वगैरह जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपको कुछ आइडिया दे सकता है। क्या आइडिया दे सकता है, चलिए इस डायग्राम को हम देखते हैं। ये डायग्राम क्या है, यहाँ पर आप देखिए, ये स्कूल ऑफ फ्यूचर, ये फ्यूचर का स्कूल है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पर देखिए, ये आपका मूविंग इन टेक्स्ट है, यानी कि जो भी सर्च करेंगे इस
इस पर दिखाई देगा। जो भी बुक्स चाहे हम सर्च कर सकते हैं, जो कुछ भी हम चाहे इस पर प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कुछ भी। रोबोटिक टीचर होंगे, जो कि इंसान टीचर नहीं होंगे, हम ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं आपका जो विजुअल क्लासरूम, जहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा और रोबोटिक टीचर होंगे, जैसा कि हम चाहेंगे वैसा वो बताएंगे। जो भी मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे भी हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहेगा, उसको वे सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, और स्टूडेंट कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे। इतना तो हम जानते हैं, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम फ्यूचर का जो वो था, बात थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस कहानी का वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी कि मार्जी को उसके दादाजी बताए थे, जब मार्जी जब छोटी थी तो उसके दादाजी बताए थे कि उनके ज़माने में क्या होता था। बताइए, इसमें लिखा हुआ कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मैं जब छोटा था तब तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज़ पर छपा करती थी। आप लोग को यह समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि इसका क्या बात है। ये कहानी जो है आज से 100-150 साल बाद की कहानी है, यानी कि भविष्य में ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, आज तो मैं हम लोग किताब और पुस्तक जो भी है प्रिंटेड ही पढ़ते हैं, कुछ ई टेक्स्ट भी पढ़ते हैं और कुछ प्रिंटेड बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय की ये बात है। आज से 100-150 साल बाद भविष्य में ऐसे बच्चे होंगे जो कि ऐसे बात कर रहे होंगे, वो जो है भविष्य के लिए सेट है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये कहानी जो है, स्टोरी जो है, भविष्य के लिए सेट की गई है। तो उसके दादाजी बताए थे कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस समय उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है। पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब फिर से पिछले पेज पर गए एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब फिर से पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स on it that it had when they read it the first time। तो उस पर भी ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। आगे चलते हैं, अब चलिए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट वेस्ट। अरे, टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक जस्ट यू थ्रो इट अवे।
आई गेस जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप उसे फेंक देते हैं, यानी कि जो भी पुस्तकें आज हम पढ़ रहे हैं वो भविष्य में उसको पढ़ देना और फेंक देना, यानी कि पुस्तकों से पढ़ना यूजलेस लगेगा लोगों को, ऐसा बताया, इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है। तब कह रहे हैं कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और भी आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ, यानी टेलीविज़न के स्क्रीन पर जो भी बुक्स वगैरह होते हैं वो तो अपने बस की बात नहीं होती है कि उसको हम इधर का उधर कर दें। जहाँ है आज आज भी हमको देखने को मिलेगा, कल भी देखने को मिलेगा, और बुक्स जो है पढ़ लेते हैं और फेंक देते हैं, ऐसा उनको यूजलेस लग रहा है लगेगा। सेम विथ माइंड, मैं भी नहीं, सैड मार्जी। सेम विथ माइंड यानी कि मैं भी ऐसा नहीं करती। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्जी जो थी 11 ईयर्स की थी, मार्जी की उम्र क्या था, 11 वर्ष का था, और टॉमी की इतनी पुस्तकें वो नहीं देखी थी, जबकि टॉमी कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का था। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी ने पूछा उससे कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने कहा मेरे घर में, यानी टॉमी ने कहा मेरे घर में मुझे मिला, उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि पढ़ने में व्यस्त था, दुछत्ती पर वह पढ़ रहा था, दुछत्ती में बैठकर वह पढ़ रहा था। और सिस्टी अबाउट, यह किस बारे में है, यानी मार्जी पूछी कि यह बुक्स जो पढ़ रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो वह किस बारे में है। तो टॉमी ने जवाब दिया स्कूल, अबाउट स्कूल, यानी कि किसके बारे में है, स्कूल के बारे। लेसन फर्स्ट का ये थर्ड पैसेज है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हैड स्कूल। मार्जी एकदम उपेक्षा करती थी, यानी तिरस्कार करती थी स्कूल के बारे में, उसके मन में स्कूल के बारे में जो बहुत बड़ी घृणा भरी हुई थी। स्कूल के विषय में लिखने को क्या है, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है, आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मारी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मारवी हमेशा से स्कूल के बारे में घृणा करती, उसका रीजन भी था, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर, पहले से भी ज़्यादा हुआ, अब क्या करने लगी थी, घृणा करने लगी थी। क्यों, क्या रीजन था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकेन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटर इंस्पेक्टर। उस घीड़ा का क्या रीजन था, जो रोबोटिक टीचर था, यांत्रिक अध्यापक था, उसे भूगोल में टेस्ट ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, और एक के बाद एक टेस्ट ले रहा था, और लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं क्या हो रहे थे, खराब से खराब आते जा रहे थे, उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा था। अंत में उसकी मम्मी को बहुत दुख हुआ, किसके मम्मी को, मार्जी के मम्मी को बहुत दुख हुआ, और वह क्या की, उनके मन में कुछ सुझाव आया, दिमाग में कुछ आइडिया आया, और वह क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। जो क्षेत्रीय निरीक्षक होते हैं, जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, उनको वो बुलाया, और किस लिए बुलाया, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वह कैसा व्यक्ति था, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल व्यक्ति था, कैसा था, विथ अ रेड फेस, अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वह कैसा था, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरपूर बक्सा था। उसके पास क्या क्या था, तारों और औजारों से भरा बक्सा था। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्जी को देख करके मुस्कुराया, क्या किया, मुस्कुराया, स्माइल किया, और उसको एक सेब दिया, क्या दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट,
तब जाकर के वह अध्यापक को एक और ले गया, सेब दिया, तब वह अध्यापक को एक और ले गया, एक दूसरी साइड में ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगैन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगैन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन्स वर आस्क्ड। ये सेंटेंस कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, देखते हैं क्या है। जब रोबोटिक जो जो वो मैकेनिक वो आया था, जो इंस्पेक्टर आया है, तो क्या हुआ है, मार्गी को देखकर हंसा और उसको एक सेब दिया। मार्गी को यानी मार्जी को आशा थी कि उसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। जो औजार औजार लेकर के आया था, निरीक्षक आया था, ओ तो उसको वो हुआ कि जो क्षेत्रीय निरीक्षक था उसके पास औजार वगैरह थे, लेकिन उसको ये था कि यार ये तो जोड़ नहीं पाएगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। और कभी 1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला कुरूप हो गया, विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पार्ट दिखाए गए थे, मतलब सारे जो है प्रश्न पूछे गए थे, सारे जितने भी उससे पूछे गए थे सब क्वेश्चन जो है वो उस पर दिखने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हैट एट मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, जो उसे पसंद नहीं था, वह जो घृणा करती थी, पसंद नहीं करती थी, वह था वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य था। यानी गृह कार्य से बच्चे आज भी बहुत कृपा कार्य आज भी बच्चों को बहुत परेशान करती है, वही बात है। तथा परीक्षा प्रश्न पत्र जो है डालने होते थे, जिसमें जो है होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो सिखाए गए थे, तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। कैलकुलेटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब तो बहुत टाइम नहीं लेते हैं, और समय कम ही समय में कोई भी रिजल्ट हमको अपने आगे आ जाता है, सामने आ जाता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड। जो इंस्पेक्टर था वह कार्य जब समाप्त हो गया, तब मार्जी का सर थपथपाने के बाद वो मुस्कुराया। जो इंस्पेक्टर आया था, एरिया इंस्पेक्टर जो आया था, क्षेत्रीय निरीक्षक आया था, वो मुस्कुराया और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, जो निरीक्षक था, इंस्पेक्टर था, वो मार्जी के माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, श्रीमती जोन्स, यानी कि मार्जी के मदर का नाम था श्रीमती जोन्स। और इंस्पेक्टर उनको संबोधित करते हुए कहा, श्रीमती जोन्स, इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे विचार से, यानी कि इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी कि हड़बड़ाहट में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया था, इस छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं था। दोज थिंग्स हैपन सम थिंग्स, और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 years levy, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है, यानी उसका स्पीड क्या कर दिया है, कम कर दिया है। एक्चुअली द
overall pattern of her progress is quite satisfactory. वस्तुतः वो कहा कि वस्तुतः एक्चुअली क्या है कि कुल मिलाकर उसका उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है. जो भी मतलब इतने इसका रिस्पॉन्स है कोई कम नहीं है, संतोषजनक है. एंड ही पैडेड मार्जीज हेड अगैन, और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया, उसने मार्जी का सिर जो है फिर थपथपाया. मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड. मार्जी को मार्जी क्या थी, हतोत्साही थी, यानी वो हताश थी. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसे यह उम्मीद थी कि वे टीचर को पूरी तरह दूर ले जाएंगे, यानी कि जो भी टीचर है जिसके जिससे किसके थ्रू वो पढ़ती थी उसको आया इंस्पेक्टर जिसको उससे दूर लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर बाई अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. जो मार्जी तो हताश थी, उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर लेकर चले जाएंगे. इंस्पेक्टर निरीक्षक जो आए हैं वे एक बार टामी के अध्यापक के लगभग एक माह के लिए इसलिए दूर लेकर गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था, इसलिए उसे लेकर के वो चले गए थे. सो सी सैड टू टॉमी. इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा, विद्यालय के विषय में कोई. इन द सिक्स्थ पैराग्राफ टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उस पर अत्यंत श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली एंड सुपीरियर नज़र डाली. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारे तरह का स्टूपिड विद्यालय नहीं है, यानी कि क्योंकि यह हमारे तरह का विद्यालय नहीं है जो कि मूर्ख जैसे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, यानी कि यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि 100 साल पहले यानी सैकड़ों से सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड ऑफ द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज, शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चरित करते हुए शिष्टता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, क्या जोड़ा, शताब्दियों पहले, यानी सेंचुरीज सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले. मार्की वॉज हर्ट. मार्जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सैड, एनीवे दे हैड अ टीचर. और उसने क्या किया, कुछ समय तक यानी उसके यानी टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था, फिर भी उनका कोई टीचर होता था, फिर भी उनका कोई टीचर होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. उसने कहा कि निश्चित उनका अध्यापक होता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था, वो तो कोई ना कोई व्यक्ति हुआ करता था. इट वॉज अ मैन यानी कोई ना कोई आदमी हुआ करता था. अ मैन कोई आदमी यानी कोई व्यक्ति. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था,
तथा उन्हें गिरी क्यार दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। जो मेन टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, बातें बताया करते हैं और उसे क्या करते हैं, वो होमवर्क दिया करते हैं। ऐसा ऐसा मार्जी और टॉमी के बीच में जो है बातें हो रही थी। 7th पैराग्राफ में देखेंगे, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कर रही है, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, उसने कहा, कि मेरे पापा को उतना चीज़ पता है जितना कि मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, यानी कि मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है, मुझे उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई डोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए, मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। टॉमी स्ट्रीम्ड विथ लॉक्टर, और टॉमी हंसी के मारे, टॉमी को खूब तेज हंसी आया और उसने चीखना स्टार्ट कर दिया, वो चीख भी लिए दिया। यू डोंट नो मच मार्जी, तुझे ज़्यादा पता नहीं है मार्जी, तुमको कुछ अच्छे से पता नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, विशेष प्रकार के वह स्पेशल मकान में रहते थे यानी रहा करते थे, और सारे बच्चे जो हैं उनके पास जाया करते थे, सारे बच्चे क्या करते थे, उनके पास जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो होते हैं, सारे बच्चे जो हैं एक ही जैसा सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, यानी एक अध्यापक एक ब्लैक बोर्ड पर, एक बोर्ड पे जो कुछ भी पढ़ाता था सारे बच्चे वही पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही क्या होते थे, एक ही उम्र के होते थे, ऐसा तभी तो होता होगा कि सब एक ही उम्र के होते थे। देखेंगे पैसेज नंबर एट। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट इच किड हैज टू बी लॉक्ड डिफरेंटली। कि तो मेरे माँ कहती है कि अध्यापक को यानी टीचर को अपने पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट बिठाना पड़ता है, यानी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐसा तो होता ही है कि एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। क्यों सामंजस्य बैठाना पड़ता है, इसलिए कि वहाँ हर बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से पढ़ना होता है, यानी कि कोई तेज होता है, कोई मध्यम होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इस प्रकार से वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक,
यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सैड क्विकली। और मार्जी ने तीव्रता से कहा, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कह रही है कि वह उन विचित्र स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी, वो उन विचित्र स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी जहाँ पर एक स्पेशल टीचर होता था, मानव टीचर होता था, और एक सेम क्लास में सभी तरह के बच्चों को वह क्या करता था, पढ़ाता था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल उसने आधी किताब भी नहीं समाप्त की थी कि मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा और कहा अभी नहीं माँ, अभी नहीं। नाउ सैड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब श्रीमती जोन्स जो कि मार्जी की मदर थी ने कहा, और शायद टाइम का भी टॉमी का भी समय हो गया है, यानी मार्जी और टॉमी दोनों का समय हो गया, उन्होंने याद दिलाया। मार्जी सेड टू मम टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ, जब स्कूल समाप्त होगा, स्कूल ओवर होगा, उसके बाद क्या मैं थोड़ा सा और किताब तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। किसने पूछा, मार्जी ने पूछा, किससे पूछा, टॉमी से पूछा। मे बी संभवतया, मैंने ऐसा हो सकता है पढ़ सकती हूँ। ही सैड नॉन चैलेंटली उसने उदासीनता से कहा, उसने कैसे कहा, उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बेनेथ हिज आर्म, और बाह में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर क्या किया, चल दिया, अनमने ढंग से चल दिया। वो उदास हो गया था, वो पुस्तक के बारे में, बुक के बारे में और अधिक पढ़ना चाहता था। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी विद्यालय जो है, वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो स्कूल के रूम में यानी विद्यालय के कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और वह जो उसका क्लास था, यानी जो उसका क्लास था उसके बेडरूम के बगल में ही था, बराबर में था, और जो यांत्रिक टीचर था, अध्यापक क्या कर रहा था, चल रहा था, तो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यांत्रिक टीचर क्या कर रहा था, मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था, क्या कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और शनिवार और रविवार के दिन, यानी सैटरडे और संडे के अलावा, यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लड़कियाँ यदि नियमित समय पढ़ें तो वह बेहतर सीखती हैं, अगर गर्ल्स जो हैं रेगुलर पढ़ती हैं तो बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन।
और स्क्रीन जो है चमक रही थी। और इसने कहा, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट स्टर्जेज होमवर्क द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। किसने कहा? कंप्यूटर ने। देखिए बेटा, आप हम लोगों को पैराग्राफ 10 पढ़ना है, पैसेज 10 को पढ़ना है। और देखिए वही यही मार्जी का क्या है, क्लासरूम है, और ये मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है स्क्रीन पर जो है शो कर रहा है, मार्जी को क्या कर रहा है, दिखा रहा है पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ 10 में क्या है। मार्जी डिड सो बी द शाई। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया, यानी कि सिख, यानी कि लंबी सांस खींची। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे, यानी दादाजी यानी परदादाजी भी छोटे थे, उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। खूब सोच रही है, इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे विद्यालय के प्रांगण में, यानी स्कूल के कैंपस में, हंसते थे चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ क्या करते थे, बैठते थे इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता था यानी स्कूल ओवर होता था तो साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए जब होमवर्क उनको मिलता था एक दूसरे की मदद से कर सकते थे, और इसके सब इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर, इस मैटर पर बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर कौन हुआ करता था, लोग हुआ करते थे, यानी पर्सन हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, यानी इमेजिन कर रही है कि उस समय, इस समय तो हमको यांत्रिक टीचर पढ़ा रहा है, उस समय मनुष्य होंगे, यानी मानव होगा जो कि पढ़ाता है, मानव टीचर होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। तो उसने क्या किया, यांत्रिक अध्यापक जो है स्क्रीन पर क्या कर रहा था, चमक रहा था, जब वह भिन्न का जो है 1/2 और 1/4 कर रहा था, यानी बताने जा रहा था। तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, रियली मज़ा तो आता ही था। और हम लोग भी जब छोटे थे तो पढ़ते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, कहानियाँ पढ़ करके बहुत अच्छा लगता था। बट इसमें भी कुछ कुछ चेंज हो रहा है, तो 150 साल बाद क्या होगा, यही इसमें बताया गया है। और बच्चों, ये है ग्लोसरी द फन दे हैड नमक, जो लेसन है उसका ये डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन बच्चों के पास नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा, उनके लिए मैं पूरी तरह से समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, आप उसे देखिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, ताकि जो भी आपको वर्डनिंग वर्ड पावर बहुत ही नेसेसरी है, और आप इसको पढ़िएगा। इसमें पूरा हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, टोटल ट्रांसलेशन दिया है, बट आपको बताना ज़रूरी था ये जो स्टोरी है वो भविष्य के लिए सेट है, यानी कि भविष्य में ऐसा स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, सोचेंगे अपने दादा परदादा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।